हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है और टॉपिक का नाम है रेसेस एंड ट्रैक। ठीक है, तो रेसेस एंड ट्रैक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सेशन मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये इन सभी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, दूसरी बात, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। क्लासेस के या मैं कोई भी लाइव क्लास लेता हूं या कोई भी फ्री कंटेंट होता है तो वो सब आपको यहीं पर मिलेगा। इसका जो लिंक है ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पिंड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को लगता है डर। ठीक है, अगर किसी चीज किसी टॉपिक में बच्चों को डर लग रहा है तो मेरा मानना यह है कि उस टॉपिक को जितना बेसिक से पढ़ाया जाए, पहले उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग कराया जाए उतना बेटर है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ना इस टॉपिक के बेसिक्स नहीं पता और बेसिक्स इसके बहुत ज्यादा वो है यार, बहुत बेसिक्स ही चीजें हैं, मतलब बेसिक्स बहुत ज्यादा बेसिक्स हैं इसके। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने ये पूरी प्लेलिस्ट देखी है टाइम स्पीड डिस्टेंस की, ठीक है, ये तो हमारा आई थिंक 20th सेशन है। ठीक है, तो अगर आपने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखी है ना पूरी टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट बताया था टाइम कॉन्स्टेंट का। ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कराया था, तो टाइम कांस्टेंट का ही कॉन्सेप्ट है जो रेसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होता है। जो रेसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होता है, यूज होता है, तो वही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, रेसिस हमारे जो हमारे ट्रैक होते हैं ना, दो तरह के ट्रैक के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो करेंगे लीनियर ट्रैक, आज क्या बल्कि कल की क्लास में जो अगला पार्ट होगा उसमें भी लीनियर ट्रैक आएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर ट्रैक के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर ट्रैक। तो दो तरह के ट्रैक्स अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, रेस, अगर आप लोग बचपन से आपने कभी रेस में पार्टिसिपेट किया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ट्रैक है, ये हमारे पास ट्रैक है, अब मैं सीधा लीनियर ट्रैक पे आ गया हूं बच्चे, ठीक है, क्योंकि लीनियर ट्रैक ही मुझे आज पढ़ाना है आप लोगों को। मान लो इस रेस में दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी, ए और बी ने इस रेस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, मान लो ये जो ट्रैक है ये 100 मीटर का ट्रैक है, ये जो ट्रैक है 100 मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर की रेस हो रही है, ए और बी ने इस रेस में पार्टिसिपेट किया। अब ए और बी में से कोई ना कोई एक ही तो विनर होगा ना, ए और बी में से कोई एक ही तो विनर होगा। अब जो विनर होगा वो सबसे पहले यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, मान लो ए विनर है तो ए यहां पर पहुंच गया, जब ए यहां पर पहुंच गया होगा तो बी कहीं पीछे रहा होगा ना। ठीक है, बी कहीं पीछे रहा होगा, ये बात समझ में आने लग रही है, क्योंकि विनर कौन होता है जो सबसे पहले यहां पर पहुंच जाए, विनर कौन होता है जो सबसे पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा या सबसे पहले 100 मीटर कंप्लीट कर लेगा, वो विनर है। जब ए यहां पर पहुंचा, ए विनर है, तो बी कुछ पीछे रहा होगा, बी कुछ पीछे रहा होगा, ए ने बी को बीट किया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में गिवन होता है, देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, बोलेगा ए बीट बी बाय 10 मीटर, ए बीट बी बाय 5 सेकेंड्स, अलग अलग तरह से बोलेगा। ठीक है, कभी मीटर में बोलेगा, मतलब किसी बंदे को अगर हराना है तो कैसे हरा सकता है, ए बी को कैसे हरा सकता है। ए हो सकता है बोले यार देख बी मेरे से 20 मीटर पीछे है, बी मेरे से 20 मीटर पीछे है, एक हराने का तरीका ये है। या ये बोल सकता है ए बीट बी बाय 5 सेकंड्स। इसका क्या मतलब है, अगर ये तो सबको समझ में आ जाता है कि ए बीट बी बाय 20 मीटर, ये तो सबको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, ए बी से जो बी है वो ए से 20 मीटर पीछे है, अगर ए ने 100 मीटर कवर किया है तो बी ने 80 मीटर कवर किया है, ये सबको समझ में आ गया। बट जब बोला जाता है कि ए बीट बी बाय 5 सेकंड्स, ए बीट बी बाय 5 सेकंड्स, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चे, इसका मतलब ये होता है अगर बी को 5 सेकंड्स और मिल जाते ना, अगर बी को 5 सेकंड्स और मिल जाते तो बी भी इस रेस को पूरा कर लेता। इसका मतलब होता है अगर बी को 5 सेकंड्स और मिल जाते तो बी भी रेस पूरी कर लेता, यानी कि रेस पूरी करने का मतलब है बी भी 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता। तो किसी सामने वाले को जो हारा है बंदा, जैसे यहां पर बी हारा है, तो ए उसकी हार को शो करने के दो तरीके से बोल सकता है, एक तो डिस्टेंस वाइज, एक टाइम वाइज, एक डिस्टेंस वाइज एक टाइम वाइज। ठीक है, बोल सकता है ए बीट बी बाय 20 मीटर, या बोल सकता है ए बीट बी बाय 5 सेकंड्स।
ठीक है, मतलब सामने वाले की हार को शो करने के दो तरीके हैं, तो डिस्टेंस वाइज एक टाइम वाइज, ठीक है। अच्छा बी क्यों हारा होगा, बी क्यों हारा है, बी की स्पीड कम होगी भाई ऐसे, तभी तो हारा है ना, तभी तो पीछे रह गया, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई नई चीज है ही नहीं। अब लेकिन एक चीज सोचने वाली है यहां पर, एक चीज सोचने वाली है जो बहुत कम लोग सोच पाते हैं, ठीक है। वो चीज क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, बस मुझे आप एक चीज बताना जरा, ए को यहां से यहां तक पहुंचने में, ए को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में और बी को यहां से यहां तक पहुंचने में, ए को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में और बी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो टाइम क्या है, सेम है। मतलब अगर ए यहां से लेके यहां तक 25 सेकंड में पहुंचा है तो बी भी यहां से लेके यहां तक 25 सेकंड में पहुंचा है, टाइम सेम रहता है। मतलब रेस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, रेस के जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अब ये टाइम कॉन्स्टेंट वाला कॉन्सेप्ट ना मैंने अपनी इनिशियल वीडियोस में ही पढ़ा दिया था, तो जिन लोगों के टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक्स अच्छे हैं वो आराम से कर पाएंगे। पर मैंने आपको बोला भी था देयर आर ओनली टू कॉन्सेप्ट्स जिनसे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट एंड टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो रेसिस में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा, टाइम कॉन्स्टेंट, क्योंकि दो लोग रेस तो सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं ना, ए और बी ने सेम टाइम पे रेस स्टार्ट करी, मान लो इन्होंने रेस स्टार्ट करी 5 बजे इन दोनों ने रेस स्टार्ट करी, 25 सेकंड बाद टाइम 25 सेकंड्स मैं अज्यूम कर रहा हूं, 25 सेकंड बाद ए तो बिल्कुल कवर कर लिया पूरे 100 मीटर के ट्रैक को, बट बी पूरे ट्रैक को कवर नहीं कर पाया, बी थोड़ा पीछे रह गया, बट ए को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा जिसको हम क्वेश्चन में 25 सेकंड अज्यूम किए हुए हैं, तो बी को भी यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, 25 सेकंड लगा होगा। तो रेसिस के क्वेश्चन में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम कॉन्स्टेंट वाला अप्रोच कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, रेसिस के क्वेश्चन में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ये देखने की कि हम इसमें टाइम कॉन्स्टेंट वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब तो देखो यार सिंपल सी बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी और क्वेश्चंस अलग अलग बनते रहेंगे, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम हर तरह के क्वेश्चंस को कवर कर लें, ठीक है। मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि इस टॉपिक की डिमांड इतनी थी ना कि सर ये टॉपिक कहीं समझ में नहीं आया, प्लीज पढ़ा दो, कब पढ़ाओगे रेसिस एंड ट्रैक, तो इसमें इट मीन्स बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरा भी एक्सपीरियंस ये बोलता है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, कि इस कॉन्सेप्ट में बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो प्रॉब्लम का मतलब ये है इसको बिल्कुल बेसिक से जाओ, ठीक है। हो सकता है जिन लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आते हैं, जिनको रेसिस के बारे में पता है, उनको आज की क्लास बहुत बेसिक लगे, बट अगर आपको अपने बेसिक इज द की, हमेशा ध्यान रखना आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, अभी देखना कितने प्यारी प्यारी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करेंगे गाइस, ठीक है। जैसे हमारे स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, और टाइम स्पीड डिस्टेंस की सीरीज का, टाइम स्पीड डिस्टेंस की सीरीज का ये कौन सा क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन है। आपको पता होगा लास्ट वीडियो में मैंने 61 क्वेश्चन कराया था आपको, और बेन एंड एमा वाला क्वेश्चन था आई थिंक वो एस्केलेटर के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो एस्केलेटर के बाद यही कॉन्सेप्ट आता है, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले इन अ 100 मीटर रेस, रेस कितने मीटर की है, 100 मीटर की है, ए बीट बी बाय 10 मीटर, ए बी को 10 मीटर से हराता है एंड सी बाय 13 मीटर, सी को 13 मीटर से हराता है। तो इसको जरा पहले तो समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस ये बात ध्यान रखना, मान लो ये पूरा 100 मीटर का ट्रैक है, ये पूरा 100 मीटर का ट्रैक है, कुछ नहीं बोला जा रहा, सिर्फ ये बोला जा रहा है ए ने बी को 10 मीटर से हराया है, सी को 13 मीटर से हराया है। तो इट मींस ए ने तो पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, अगर ए यहां पर पहुंचा है तो बी उससे 10 मीटर पीछे होगा, बी उससे कितने मीटर पीछे होगा, 10 मीटर पीछे होगा, ये बात समझ में आ गई। एंड ए ने सी को 13 मीटर से हराया है, ए ने सी को 13 मीटर, अगर ए यहां पर है, अगर ए यहां पर है तो सी उससे 13 मीटर पीछे होगा, यह बात समझ में आ गई आपको, सी उससे 13 मीटर पीछे होगा। यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या, तीनों लोगों ने रेस सेम टाइम पे स्टार्ट किया होगा, बिल्कुल सही बात है, तीनों लोगों ने जो रेस स्टार्ट किया होगा सेम टाइम पे क्या होगा, कोई एक टाइम तो रहा होगा जो तीनों यहां पर होंगे, बट जितने टाइम में ए ने ये 100 मीटर का ट्रैक कवर किया उतने टाइम में बी ने सिर्फ कितना कवर कर पाया, 90 कवर कर पाया, और सी कितना कवर कर पाया, 87 कवर कर पाया, यह बात समझ में आने लग रही है। तो टाइम कॉन्स्टेंट है ना तीनों के पास, ए को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम बी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा और उतना ही टाइम सी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, तीनों का टाइम क्या है, कॉन्स्टेंट। और बच्चे सबको पता है जब टाइम कॉन्स्टेंट होता है
तो जो डिस्टेंस का रेशो होता है ना वही उनके स्पीड के रेशो के बराबर होता है, जो उनका डिस्टेंस का रेशो होता है ना वही उनके स्पीड के रेशो के बराबर होता है। कब? जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। तो लग रहा है ना वही वाला कॉन्सेप्ट, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड के रेशो के बराबर होता है। तो यहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ने तो पूरा डिस्टेंस चला है, बी ने कितना डिस्टेंस चला है 90 डिस्टेंस चला है क्योंकि 10 मीटर पीछे था, और सी ए से 13 मीटर पीछे था, तो 100 माइनस 13 कितना होता है 87। तो ये आ गया इनके डिस्टेंस का रेशो, ये आ गया इनके डिस्टेंस का रेशो, और जो इनके डिस्टेंस का रेशो है वही इनके स्पीड का रेशो होगा। ठीक है, वही इनके स्पीड का रेशो होगा, यानी कि यही इनकी 100:90:87 ही इनके स्पीड का रेशो है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अभी के लिए इतना ही, पहला ये पॉइंट समझो जरा। ठीक है, जितने टाइम में ए ने ये पूरा 100 मीटर कवर किया उतने टाइम में बी ने 100-10 90 कवर किया, सी ने 100-13 87 कवर किया। मतलब ए को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना टाइम बी को यहां से यहां तक पहुंचने में, उतना टाइम सी को यहां से यहां तक पहुंचने में। जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब तीनों लोगों का टाइम सेम है, तो जो उनके डिस्टेंस का रेशो है वही उनके स्पीड का रेशो होगा, यानी कि इनके स्पीड का रेशो भी यही होगा 100, 90 और 87। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही होगी। अब देखो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम कांस्टेंट की, रेसेस में टाइम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन फिर उसी पे बेस्ड है। अब क्वेश्चन बनाना था तो कुछ तो पूछना ही था, इसने क्या पूछा, इन अ रेस ऑफ 180 मीटर, यदि 180 मीटर की रेस होती है तो बी विल बीट सी बाय, तो बी जो है वो सी को कितने मीटर से बीट करेगा अगर 180 मीटर की रेस होती है। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ यहां से स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी का रेशो कितना आने लग रहा है, क्योंकि ए बी सी का कंबाइन रेशो है ना, तो यहां से स्पीड ऑफ बी एंड स्पीड ऑफ सी का रेशो बताओ कितना आ रहा है, 90/87 आने लग रहा है ना। ये बात ध्यान रखो आने लग रहा है ना, स्पीड ऑफ बी टू स्पीड ऑफ सी का रेशो कितना लग रहा है 90/87। अब ध्यान रखना जरा, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं क्वेश्चन। अब ये रेस है 180 मीटर की, ये रेस कितने मीटर की है 180 मीटर की है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बी सी को कितने मीटर से बीट करेगा, बी सी को कितने मीटर से बीट करेगा, तो स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी अभी हम लोगों ने बताया कितना 90/87। आपको इतना तो पता है ना, बी यहां पर होगा इनिशियली, सी भी यहां पर होगा, बी सी को बीट कर रहा है, बी सी को हरा रहा है, तो उसके लिए बी का जीतना भी तो जरूरी है ना, तो यानी कि बी को तो पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 180 मीटर का, बी को तो पूरा, जितनी देर में बी ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा उतनी देर में सी ये पूरा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बी की जो स्पीड है वो सी से क्या है ज्यादा है, तो सी कहीं यहां पीछे रहेगा। बट जितनी देर में बी ने ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितनी देर में बी ने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया उतनी ही देर में सी ने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब दो लोगों का टाइम कांस्टेंट है तो जो उनकी स्पीड का रेशो है वही उनके डिस्टेंस का रेशो होगा, तो यहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सी का रेशो भी कितना आएगा 90/87 आएगा या नहीं। अगर बी 90 मीटर ट्रेवल करेगा तो सी 87 ट्रेवल करेगा, बी को कितना ट्रेवल करना है, क्योंकि बी को तो पूरा जीतना है ना रेस, 180 ट्रेवल करना है, तो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 180 ट्रेवल करेगा, इसको भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना करेगा हमारे पास 174, कितना करेगा 174। मतलब जितनी देर में बी 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी देर में सी 174 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बी सी को कितने मीटर से हराने लग रहा है 6 मीटर से हराने लग रहा है, बी सी को कितने मीटर से हराने लग रहा है 6 मीटर से हराने लग रहा है। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि रेस में क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट होता है, बी को जितने देर में बी का जितना यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम सी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा। जब दोनों का टाइम कांस्टेंट है तो उनकी जो स्पीड का रेशो है वही उनके डिस्टेंस का रेशो होगा, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बी और डिस्टेंस कवर्ड बाय सी का रेशो भी 90/87 ही होगा। बट एक्चुअल में तो बी ने 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, रेशो में कितना दिया हुआ है 90, बी के सामने 90 लिखा हुआ है, तो 90 को अगर 180 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करा, अगर आप रेशो में ऊपर वाले टर्म का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे वाले टर्म का भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितनी देर में बी 180 मीटर ट्रैवल करेगा उतनी देर में सी 174 मीटर ट्रैवल करेगा, इट मींस बी सी को 6 मीटर से हरा देगा। ठीक है, तो बी बीट सी बाय कितना, ठीक है, बी बीट सी बाय 6 मीटर। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस चीज को यहां से भी कर सकते थे, दोनों की जो स्पीड का रेशियो है अगर आपको पता है, अगर आपके मन में क्लैरिटी हो गई कि हाँ भाई जितना टाइम कॉन्स्टेंट होता है तो स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस रेशो के बराबर है, तो ये जो स्पीड का रेशो लिखा हुआ है यही इनके डिस्टेंस का रेशो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी
एंड डिस्टेंस का डिवाइड सी का रेशियो भी 90/87 होगा। अब रेस 180 मीटर की है और पूछा जा रहा है बी सी को कितने मीटर से हराएगा। बी अगर सी को हराना चाहता है तो उसके लिए बी का जीतना जरूरी है, तो बी को तो पूरा 180 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी 2 से, सीधा कर सकते हैं, ऐसा नहीं हर बार डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। तो बी सी को कितने मीटर से हरा रहा है, 6 मीटर से हरा रहा है। हम सीधा यहां से भी क्वेश्चन कर सकते थे सॉल्व, ऐसा नहीं कि हमें हर बार डायग्राम बना के देखना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? आई होप ये बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज टाइम कॉन्स्टेंट। ये जो रेशो निकला था ये भी टाइम कॉन्स्टेंट से निकला था। फिर अगर बी को आपको रेस जीतनी है तो बी का जो टाइम होगा सी का जो टाइम होगा वो सेम होगा, तो वहां से जब टाइम सेम है तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, डिस्टेंस कवर्ड बाय सी का रेशो 90/87 है। बी अगर 90 चलता है तो सी 87 चलता है। बी ने एक्चुअल में 180 चला तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि रेशो को अगर सेम रखना है तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जरा चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर तो आ गया ना, 6 ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ये क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों को इसको देखो। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की रेस है, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर, ए कैन बीट बी बाय 31 मीटर एंड सी बाय 18 मीटर। इन अ रेस ऑफ 350 मीटर सी विल बीट बी बाय, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो मैं इसको कितनी जल्दी से करूंगा, ऐसा नहीं कि डायग्राम बनाने की जरूरत है। 200 मीटर की रेस है, ए ने बी को 31 मीटर से हराया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए जब टाइम सेम होता है। तो जितने टाइम में ए 200 मीटर ट्रेवल किया, बी ने उससे 31 मीटर कम किया, तो 200 में से 31 हटा दो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और सी ने 18 मीटर कम किया, सी ने कितना किया, 182 मीटर ट्रैवल किया। यह बात समझ में आ गई कि आप लोगों को, यहां तक की बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है यदि रेस 350 मीटर की है, यदि रेस 350 मीटर की है तो सी बी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। यहां से ये देखो इनके डिस्टेंस का रेशो आ गया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सी का रेशो कितना आ रहा है, 169/182 आने लग रहा है, आने लग रहा है ना बच्चे, ये जल्दी से बताओ। और जो इनके डिस्टेंस का रेशो है वही इनके स्पीड का रेशो होगा, जो इनके डिस्टेंस का रेशो है वही इतने स्पीड का रेशो होगा, सभी को मालूम है, ठीक है। तो जब सी 182 मीटर, जितनी देर में सी 182 मीटर ट्रैवल करता है उतनी देर में भी 169 मीटर ट्रैवल करता है, इसको 13 से उड़ा दो तो ऊपर तो आएगा 13, नीचे आएगा 14, ऊपर तो आएगा 13, नीचे आएगा 14, 13 × 13 169 होता है, 13 × 14 182 होता है, इसको 13 से रिड्यूस करके ये आ गया। तो यहां से डिस्टेंस कवर्ड बाय बी और डिस्टेंस कवर्ड बाय सी का रेशो आ रहा है 13/14। क्वेश्चन को रीड कर लो, मैंने तो रीड किया हुआ है, आप लोग रीड कर लो। हमसे पूछा जा रहा है यदि रेस 350 मीटर की है, यदि रेस 350 मीटर की है तो सी बी को कितने मीटर से हराएगा। रेस कितने मीटर की है, 350 मीटर की है, यानी कि सी को तो पूरा 350 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। जितनी देर में सी 14 चलता है उतनी देर में सी बी कितना चलता है, 13। यदि 14 मीटर की रेस होती, यदि 14 मीटर की रेस होती तो सी बी को 1 मीटर से हराता, बट रेस कितने की है, 350 मीटर की है, इसको 350 बनाओ, हमारे अकॉर्डिंग 14 का वैल्यू एक्चुअल में 350 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 350/14, 350/14 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3/14 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देना 350/14 से, ठीक है। ये तो आ जाएगा नीचे 350, नीचे तो आ जाएगा 350, और ऊपर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो जरा, मैं भी कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं क्योंकि ऑप्शंस भी मुझे डेसिमल में दिखाई दे रहे हैं। सो 350 × 13 विच इज 4550, उसको डिवाइड करना है 14 से, तो आएगा 325, ऊपर आ रहा है 325, ठीक है। वैसे तो ये कट सकता था यहां पर, ठीक है, 7 से उड़ाता तो 50 आता, 2 आता, 25 × 13 आता, ये 25 × 13 आता है ना, है ना, मतलब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम्हें कैलकुलेशन अगर टिपिकल लग रही है ना तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। ये डिस्टेंस का रेशो तुम्हें पता ही है, डिस्टेंस का रेशो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सी का रेशो 13/14 है, सी ने पूरा 350 मीटर ट्रैवल किया है, अगर इसको 350 बनाना है, 14 को अगर 350 बनाना है, 14 को 350 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 25 से, तो इसका नीचे भी 25 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 25 मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर तो आ जाएगा कितना, 325, और नीचे आ जाएगा 350। इट मींस जितनी देर में सी 350 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी देर में बी 325 मीटर ट्रेवल करेगा, तो सी तो पूरा रेस कवर कर लेगा बट बी उससे 25 मीटर कम ट्रेवल करेगा, तो सी बी को 25 मीटर से हरा देगा। अब हो सकता है ये चीज तुम्हें एकदम से हिट ना करे कि यार 14 को 320 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है,
भाई 14 को 320 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 350 को 14 से डिवाइड कर दो ना, 700 आओगे ऊपर 50, नीचे आएगा 225, ऐसे कर लो। अब बच्चों वाली बातें मत करने लगना, 14 को x से मल्टीप्लाई किया 350 बना, x का वैल्यू 25 आया, ये मत काम करने लग जाना बस, ठीक है ठीक है। तो पहले यहां से 200 मीटर की रेस से तीनों का डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया, अब आगे देखा कि सी और बी में रिलेशन पूछा जा रहा है तो ए को तो साइड कर दिया, फिर बी और सी पे फोकस किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी 169, डिस्टेंस कवर्ड बाय सी 182, तो बी और सी के डिस्टेंस का रेशियो इतना आ रहा है 13/14, जो इनके डिस्टेंस का रेशियो है वही इनकी स्पीड का रेशियो होगा क्योंकि टाइम क्या है कॉन्स्टेंट है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी डिस्टेंस कवर्ड बाय सी का रेशियो 13/14 था। पूछा जा रहा है सी बी को कितने मीटर से हराएगा यदि रेस 350 मीटर की है, अभी तो सी 14 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस 14 को यदि 350 बनाना है, यदि 14 को 350 बनाना है तो 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 से मल्टीप्लाई करते बन गया 350, ऊपर वाला बन गया 325, जितनी देर में सी 350 मीटर ट्रेवल करेगा उतनी देर में बी 325 मीटर ट्रेवल करेगा। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था, यानी कि सी बी को 25 मीटर से हराएगा, ठीक है, यहां तक की स्टोरी क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो जल्दी से जरा बच्चे, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। इन अ 50 मीटर रेस 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू कंटेस्टेंट्स ए एंड बी 3:4, ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, हैज अ स्टार्ट हो या हैज अ हेड स्टार्ट हो, ठीक है, हेड स्टार्ट एक टर्म होता है हेड स्टार्ट, ठीक है, हेड स्टार्ट का मीनिंग बता देता हूं और स्टार्ट दोनों की बात एक ही है, ठीक है, मतलब देर आर टू कंटेस्टेंट्स उनकी स्पीड का रेशो, स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी का रेशो कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, रेस कितने मीटर की है 500 मीटर की, ये बात ध्यान रखना, और ए के पास 140 मीटर का स्टार्ट था, इसका मतलब क्या है, देखो रेस 500 मीटर की है ना, ये 500 मीटर का डिस्टेंस है, तो ए के पास स्टार्ट था 140 मीटर का, इट मींस जब रेस स्टार्ट हुई ना तो बी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही था बट ए उससे 140 मीटर आगे था, इसका मतलब होता है ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर का मतलब क्या है, रेस शुरू होने से पहले ही ए 140 मीटर आगे था, किससे, बी से, ए ऑलरेडी आगे था, कितना आगे था 140 मीटर आगे था, किससे, बी से, यह बात समझ में आ गई, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर या ए हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 140 मीटर तो समझ जाना रेस शुरू होने से पहले ही वो आगे था, तो आगे इट मींस ए को तो फायदा हो रहा है बट फायदा हो रहा है ये कि स्पीड भी तो कम है ना, ठीक है ठीक है। ये ऐसा किया जाता है जब हमारा कंटेस्टेंट बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो कि तू आगे निकल जा तो तू 140 मीटर आगे भी निकलेगा ना तब भी मैं जीतूंगा, ऐसा होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बार, भाई तू आगे चला जा 100 मीटर आगे चला जा तब भी मैं तेको पीछे छोड़ दूंगा इतनी तेज भागूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ, ए के पास 140 मीटर का स्टार्ट था, ठीक है, तो ए कितने मीटर से जीतेगा हमसे पूछा जा रहा है, ए विंस बाय, ठीक है, ए जीता है, अगर ए जीता है अब जरा ध्यान से देखना अब आएगा मजा तुम्हें, ठीक है, अगर ए जीता है तो जितनी देर में ए ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस है कितना जरा पहले मुझे बताओ, ये डिस्टेंस कितना बचा 360 मीटर बचा ना, क्योंकि टोटल कितना था 500 था, टोटल डिस्टेंस कितना था 500 था ना, 500 में से 140 उसने पहले ही कवर किया हुआ है तो कितना बचा 360 मीटर डिस्टेंस बचा, ये 360 मीटर डिस्टेंस वो जितनी देर में ट्रैवल करेगा उतनी देर में बी भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, उतनी देर में बी भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो जितने टाइम में ए ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया उतने टाइम में बी भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो पहले तो देखो वो कितना ट्रैवल करेगा, दोनों की स्पीड का रेशियो है 3/4, अगर दोनों की स्पीड का रेशियो 3/4 है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी का रेशियो भी 3/4 होगा, ए ने कितना ट्रैवल किया 360 रेशियो के अकॉर्डिंग 3 को 360 बनाना है तो 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितनी देर में ए 360 मीटर ट्रैवल करेगा उतनी देर में बी 480 मीटर ट्रैवल करेगा, तो बी यहां से लेके यहां तक 480 मीटर ट्रैवल कर पाएगा, जितनी देर में ए ने 360 मीटर ट्रैवल किया उतनी देर में बी 480 मीटर ट्रैवल कर पाया, जैसे ही ए ने 360 मीटर ट्रैवल कर लिया तो ए ने तो पूरा 500 मीटर ट्रैवल कर लिया ना, ए तो विनर है, अब बी उससे कितना पीछे रह गया 20 मीटर पीछे रह गया, बी उससे कितना मीटर पीछे रह गया 20 मीटर पीछे रह गया, हमसे वही पूछा जा रहा है, देन ए विंस बाय, ए कितने मीटर से जीतेगा 20 मीटर इज माय आंसर, 20 मीटर इज माय आंसर, ठीक है, क्योंकि
ए और बी का टाइम, ए का या इस पॉइंट से टाइम कैलकुलेट किया जाएगा और बी का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से ही टाइम कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि ए के पास जो स्टार्ट था वो 140 मीटर का स्टार्ट था। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, ए ऑलरेडी उससे 140 मीटर आगे था। स्टार्ट भी लिख सकता है, हेड स्टार्ट भी लिख सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? तो ये 140 मीटर ऑलरेडी आगे था, टोटल ट्रैक 500 मीटर का है, तो इसको कितना कवर करना है, 360। जितनी देर में 360 ट्रेवल करेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड का रेशियो 3/4 है, टाइम कांस्टेंट है, यहां के बाद ए का टाइम और यहां के बाद बी का टाइम, बी का शुरू से टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो भी डिस्टेंस के रेशियो के बराबर है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना आएगा, 3/4। ए को कितना कवर करना है, 360, रेशियो में 3 था, 3 को 360 बनाना है तो 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 480। जितनी देर में ए 360 ट्रेवल करेगा उतनी देर में बी 480 मीटर ट्रेवल करेगा। तो पूरा ट्रैक कितने का था, 500 मीटर का था, तो ये 480 ट्रेवल कर पाया बस, और ए तो पहुंच ही गया है विनिंग पॉइंट पे, तो कितने मीटर पीछे है बी उससे, 20 मीटर, तो ए 20 मीटर से जीत गया यहां पर। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, इसको ट्राई करेंगे आप लोग। अब देखो यहां पर क्लियरली लिखा गया है हेड स्टार्ट, ठीक है? चलो इसको देखते हैं। इन अ 100 मीटर रेस, ठीक है, इन अ 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस है, आगे क्या बोला जा रहा है, ए कैन गिव बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, ए ने बी को 10 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, एंड सी अ हेड स्टार्ट ऑफ 28 मीटर, इन द सेम रेस बी कैन गिव सी अ हेड स्टार्ट ऑफ, ठीक है? हेड स्टार्ट इसलिए दिया जाता है, हेड स्टार्ट इसलिए दिया जाता है कि तीनों के तीनों सेम टाइम पर पहुंचे, तीनों के तीनों सेम टाइम पर पहुंचे, कहां, फाइनल पॉइंट पर, डेस्टिनेशन पॉइंट पर, ठीक है? एक्चुअल लॉजिक तो इसके पीछे हेड स्टार्ट के पीछे ये था, एक्चुअल लॉजिक तो हेड स्टार्ट के पीछे ये था कि तीनों के तीनों सेम टाइम पर पहुंचे। जैसे यहां पर सिर्फ ये बोला जा रहा है 100 मीटर की रेस है, ये पूरा 100 मीटर है, ए कैन गिव बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, मतलब ए ने बी को 10 मीटर का हेड स्टार्ट दिया। अगर ए यहां पर है, एक मिनट बच्चे, एक मिनट जरा, यस देखो जरा, ये पूरा 100 मीटर का ट्रैक है, जब ए यहां पर है ना तो बी उससे 10 मीटर आगे है, बी उससे 10 मीटर आगे है, तो बी यहां पर है, एंड सी को उसने 28 मीटर का हेड स्टार्ट दिया। अगर ए यहां पर है, ए यहां पर है, तो सी इससे 28 मीटर दूर है, तो यानी कि इससे भी 8, इससे भी 18 मीटर और दूर, इससे भी 18 मीटर और दूर, तो सी यहां पर है, ठीक है? बात समझ में आ गई? जब ए यहां पर है तो बी यहां पर है और सी यहां पर है, हेड स्टार्ट इसलिए दिया जाता है कि तीनों के तीनों यहां पर सेम टाइम पर पहुंचे, तीनों के तीनों यहां पर सेम टाइम पर पहुंचे। तो सी का यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग टाइम, सी का यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग टाइम, बी का यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग टाइम और ए का यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा। सी का यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग टाइम, बी का यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग टाइम और ए का यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड के रेशो के बराबर होता है, ठीक है? तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे बी और सी का, क्योंकि बी और सी में रिलेशन पूछा जा रहा है, तो बी और सी पे फोकस करो। ये यहां से लेके 28 मीटर का डिस्टेंस है, तो टोटल 100 है, 100 से 28 गया तो कितना बचा, 72। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सी और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 72, क्योंकि ये 28 था, 100 में से 28 हटा दो। बी ने कितना ट्रेवल किया, टोटल 100 था, बी ने जितनी देर में सी ने 72 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उतनी देर में सी बी कितना कर रहा है, 100 में से 10 हटा दो, 90। तो बी और सी और बी का डिस्टेंस का रेशो आ गया कितना, 4/5। बी और सी का डिस्टेंस का रेशो कितना आ गया, 4/5। ये बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को, बी सी और बी का डिस्टेंस का रेशो आ गया 4/5। यदि बी 5 मीटर का डिस्टेंस चलेगा तो सी 4 मीटर का डिस्टेंस चलेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है इन द सेम रेस, सेम रेस बोले तो यही 100 मीटर की रेस है, तो बी कैन गिव सी अ हेड स्टार्ट ऑफ, बी सी को कितने मीटर का हेड स्टार्ट देगा। भाई ये इनकी डिस्टेंस का रेशो है 4/5, यही इनके स्पीड का रेशो होगा, क्योंकि लीनियर रेस में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। तो बी 100 चलेगा, बी को अगर 100 चलना है तो 20 से मल्टीप्लाई करो, बी 100 चलेगा तो उतनी देर में सी कितना चल पाएगा, 80, उतनी देर में सी कितना चल पाएगा, 80, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया 100, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया 80, जितनी देर में बी 100 चल पाएगा उतनी देर में सी 80 चल पाएगा। इट मीन्स बी सी को कितने मीटर का हेड स्टार्ट देगा, 20 मीटर का हेड स्टार्ट देगा। बी बोलेगा सी को, भाई तू पहले ही 20 मीटर आगे चला जा, क्योंकि तेरी स्पीड कम है, तभी हम दोनों सेम टाइम पर पहुंच पाएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन समझ में आया?
तो 20 मीटर बी कैन गिव सी अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। बी सी को कितने मीटर का हेड स्टार्ट देगा? 20 मीटर का हेड स्टार्ट देगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें तो किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है, मतलब ये आप इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए। थोड़ा सा दोबारा देखना है क्लास अगर नहीं समझ में आए तो, बट हाँ रेसिस और ट्रैक को अच्छी तरह से निचोड़ना है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये तो थी क्लास की बात है, बाकी अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल है, ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। यदि आप लोग अनअकैडमी पर किसी टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं, आपसे इनवाइट कोड पूछा जाता है, किसी क्लास को देखना चाहते हैं आपसे इनवाइट कोड पूछा जाता है, सो दिस इज माय इनवाइट कोड और रेफरल कोड। इस कोड से आप किसी फ्री कंटेंट भी देख सकते हो अनअकैडमी पर, और इसी कोड से आप लोग अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो इसी कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बेसिकली दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, पहला प्लस सब्सक्रिप्शन है, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। ये सारे के सारे प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट है और ये आइकॉनिक के बेनिफिट है। आइकॉनिक में आप लोगों को प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। बुक्स वगैरह, जीडीपीआई का प्रिपरेशन वगैरह, वो आपको आइकॉनिक में मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये अभी एक ऑफर भी ऑन गोइंग है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जो कि आज 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस ऑफर पे आप लोगों को 20% ऑफ मिल रहा है और 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल रहा है, ठीक है। 8 महीने के सब्सक्रिप्शन का प्राइस कितना है बच्चे, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन का प्राइस कितना है। बट यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड, अगर आप लोग उदित लाइव कोड को यूज करोगे तो इन प्राइसेस पर भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है मुझे उसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट सेशन में। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।